हेलो एवरीवन, आपने आजकल देखा होगा कि इस तरह का फ़ोटो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर बहुत ज़्यादा अपलोड हो रहा है। तो ऐसे में आप इस तरह का फ़ोटो कैसे अपने फ़ोन से बना सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर को ओपन करके यहां पे सर्च करेंगे फोटो लैब, आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन खुल जाएगा जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहां पे पहले ही डाउनलोड कर लिया है, तो मैं यहां से इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने खुल जाएगा। आपको यहां पे ट्रेंडिंग पर क्लिक करना है। ट्रेंडिंग ओपन होने के बाद जब थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तब आपको वो फ़ोटो का सैंपल देखने को मिलेगा जो अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं जो सैंपल की तरह यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले फ़ोटो कुछ ऐसा था और बनने के बाद कुछ इस तरह का हो गया है। उसके नीचे आपके गैलरी में जितने भी फ़ोटो होंगे वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ से वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप इस तरह का बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से अभी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं मैंने इस फोटो को यहाँ चुन लिया है। आप इसे ऊपर नीचे राइट लेफ्ट करके इसे क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है, तो इसे प्रोसेस होने देते हैं। कुछ देर प्रोसेसिंग होने के बाद आपका फ़ोटो इस तरह का बनकर आपके सामने आ जाएगा। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे जो थ्री डॉट्स का निशान दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे आप फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पर इसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन हमें इसे डाउनलोड करना है, इसके लिए हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, ये फ़ोटो आपके गैलरी में सेव हो चुका होगा। चलिए हम गैलरी ओपन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गैलरी में मेरा फ़ोटो सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटो को भी इस वायरल फ़ोटो के थीम की तरह बना सकते हैं।